Hello students, welcome to My Language, My Learning. So I'm sharing my screen. Let's have a look. Welcome to My Language, My Learning, Change the Way We Learn. So this is our module 3. In this module, we will learn comparing quantities. Okay. So the submodule is the submodule of the topic comparing quantities is increase or decrease percentage. इस वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है, मतलब परसेंटेज अगर आपका इंक्रीज कर रहा है या फिर नंबर्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं या फिर डिक्रीज करें कुछ, तो आपका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज जो होगा वो कितना होगा. ओके, सो डिटेल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ाई करेंगे इसके बारे में. So what we will learn in this module, increase or decrease percentage. Okay, this is our increase or decrease percentage. Okay, so definition की ओर बढ़ते हैं. Increase or decrease percentage को अगर हम define करेंगे तो कैसे define करेंगे. परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज आर द मेजर्स ऑफ परसेंटेज चेंज. ये क्या होते हैं, परसेंटेज के चेंज होते हैं, मेजर होते हैं. ठीक है, विच इज द एक्सटेंट टू विच अ वेरिएबल गेन्स और लूसेस इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड एक्सटेंट और वैल्यू. ठीक है, वैल्यू कभी कभार क्या होता है, गेन होता है या फिर लूज करता है. जैसे कि पॉपुलेशन ले लीजिए, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. हमेशा आप लोग देख रहे हो इंडिया की पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है. ठीक है, बिलियंस में पहुंच गई है. ठीक है, 107 करोड़ भारतवासी हैं. ठीक है, आप समझ सकते हो. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका परसेंटेज इंक्रीज करेगा. ठीक है, मैग्नीट्यूड में चेंजेस आएंगे. ठीक है, द फिगर्स आर अराइव्ड एट बाय कंपेयरिंग द इनिशियल. क्या होता है कि फिगर को हम कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, इनिशियल या फिर आप बोल सकते हो कि बिफोर क्वान्टिटी क्या थी एंड फाइनल और आफ्टर क्वान्टिटी क्या है. ठीक है, क्वान्टिटीज अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक फार्मूला. एक स्पेसिफिक फार्मूला से हम इस चीज़ को रिलाई करते हैं और इस चीज़ को समझते हैं. एक और चीज़ समझने की बात यह है कि जैसे आपको पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ रही है, तो पेट्रोल का प्राइसेस पहले कितनी थी और अब कितनी है, इसमें आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो कि पहले की क्वांटिटी यानी बिफोर की इनिशियल की क्वांटिटी क्या थी और अब क्या क्वांटिटी है. ठीक है, तो इसी से हम बहुत अच्छे वे में समझ रहे हैं कि स्पेसिफिक फार्मूला से कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ. ओके, so percentage increase and decrease percent, here it is, percentage increase and percentage आपका decrease. ठीक है, how to find increase or decrease percentage, increase or decrease percentage हम लोग कैसे निकालते हैं. okay, सबसे पहले है कि आपका कि इतना प्राइस इंक्रीज, अगर प्राइस बढ़ती है. ठीक है, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस और उसी नंबर को फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपका 100 में. यहाँ से आप देख सकते हो न्यू प्राइस जो है, ठीक है, माइनस ओल्ड प्राइस से आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस निकाल रहे हो. ठीक है, आपको बाय ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस को आप बेस प्राइस भी बोल सकते हो, क्योंकि ये फ्रैक्शन में निकल गया फिर आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से. तो आप इजीली निकाल पाओगे कि आपका इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज कितना हुआ. ठीक है, बट इसमें क्या, आपका इंक्रीज परसेंटेज कितना हुआ, तो आप न्यू प्राइस में ओल्ड प्राइस को घटा दीजिए. हमेशा क्या होता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस किया जाता है, तभी आपका जो डिफरेंस है वो निकल के आता है. अगर इसी चीज में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, अगर मान लीजिए प्राइस डिक्रीज कर गया है ना, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस बाय ओल्ड प्राइस. जैसे कभी कभी आप देखते होंगे किसी किसी शॉप में या फिर रिटेल शॉप होता है या फिर आप ले सकते हो कि मॉल्स वगैरह में जा रहे हो तो सेल लगा रहता है. तो क्या होता है कि प्राइस क्या होता है, जो जितना प्राइस आपका एमआर पे रहता है उससे आपको थोड़ा डिस्काउंट में देता है. इसमें क्या हो रहा है कि परसेंटेज जो है वो डिक्रीज कर रही है प्राइस की. ठीक है, तो इसलिए आपका ओल्ड प्राइस जो है वो ज्यादा रहेगा, जो न्यू प्राइस है वो कम रहेगा. ठीक है बच्चे, तो ओल्ड प्राइस में न्यू प्राइस आप डिक्रीज करिए, माइनस करिए, और आपका जो बेस प्राइस है जो कि आपका ओल्ड प्राइस हो गया, ठीक है, वो आपका बेस प्राइस है.
क्या करो, सिंपली उसे डिवाइड कर दो, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, और वो जो फ्रैक्शन आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आप इजीली निकाल सकते हो डिक्रीज परसेंटेज। ओके, सो डिक्रीज परसेंटेज आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ओल्ड प्राइस माइनस न्यू वन डिवाइडेड बाय ओल्ड वन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज, यू गेट द डिक्रीज परसेंटेज। अब डिक्रीज परसेंटेज यहाँ पे आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए इस वाले क्वेश्चन में हम देख सकते हैं स्कूल टीम है, ठीक है, वन सिक्स गेम्स दिस ईयर। इस बार क्या होती है कि वो 6 गेम्स जीतती है इस वाले साल में अगेंस्ट 3 गेम्स वोन लास्ट ईयर। पिछले साल की तुलना में वो 6 गेम्स जीत लेती है, पिछले साल उसने 3 गेम्स जीती थी, इस बार उसने 6 गेम्स जीती है। ठीक है, वॉट इज द परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ वो आपको निकालना है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होता है वो होता है आपका अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 100, आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो आपका हो जाएगा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विंस, कितना आपका विंस में आपका चेंजेस आता है, बाय ओरिजिनल नंबर ऑफ विंस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, सो चेंजेस कितना आया है, पहले इस बार 6 जीता है उन्होंने गेम्स, और पहले कितना जीता था 3, सो आपका डिफरेंस आपको निकालना है 6 माइनस 3, एंड देन ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था 3, विच इज द लास्ट ईयर उसने कितने गेम्स जीते थे स्कूल टीम में, एंड देन मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, वी गेट 3/3 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज, वी गेट 100%। सो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस है कि पूरा 100% चेंजेस आ गया। क्या हो रहा है, 3 गेम्स के बदले उसने 6 गेम्स जीते हैं, सो इजिली वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें से कह सकते हैं। और परसेंटेज तो यही तो होता है, वे आप क्या बोल सकते हो कि हाँ उसके अच्छे मार्क्स हैं, उसके खराब नहीं है, फिर एवरेज मार्क्स आए हैं या फिर बिलो एवरेज है, तो आप इसमें ये कह सकते हो कि हाँ 90% बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो आप परसेंटेज कंपेरिजन का एक बहुत अच्छी आप तुलना बोल सकते हो, है ना। ठीक है बच्चे, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा बोल रहा है द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्संस। ठीक है, इलिटरेट पर्संस की जो नंबर है वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ इलिटरेट पर्संस इन अ कंट्री डिक्रीज फ्रॉम 300 लैक्स टू 100 लैक्स इन 20 ईयर्स। क्या हो रहा है, एक कंट्री, कोई भी एक कंट्री होगी, इसमें 300 लाख से 100 लाख डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इन 20 इयर्स व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ तो कितना हुआ। देखो, इलिटरेट पर्संस की अगर संख्या घटेगी तो ये कंट्री के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, आप ये समझो। अगर अनपढ़ लोगों की संख्या घटेगी तो ये अच्छी बात है ना, लिटरेसी रेट बढ़ रही है, लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे तो नॉलेज आएगा और कंट्री प्रोग्रेस करेगा। सो परसेंटेज एक तरह से बहुत मीनिंगफुल आइडिया हो जाता है आपके डे टू डे लाइफ में, प्लस आप कंट्री के प्रोग्रेस में, वो एक क्वांटिटी हो जाता है, एक मेजर आप आराम से कर सकते हो कि कितनी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेसी रेट हो, पॉपुलेशन रेट है कंट्री के, तो स्पेसिफिक मेजर्स आप कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, बेटर वे ऑफ लिविंग के लिए। सो आपका ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट जो है वो आपका हो जाएगा इज इक्वल टू, सॉरी, द नंबर ऑफ लिटरेट पर्संस इनिशियली पहले कितना था, 300 लैक्स थे, अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया, चेंजेस कितने आए, तो आपका हो जाएगा डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ इलिटरेट पर्सन की संख्या में कितने डिक्रीज आया। सो वी विल गेट 300 माइनस आप 100 करोगे वी गेट 200 लैक्स बच्चे का डिक्रीज हुआ। ठीक है, इलिटरेट पर्सन, ठीक है, देखो द परसेंटेज डिक्रीज कितना हो गया, मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, अमाउंट ऑफ चेंज निकालना है, सो अमाउंट ऑफ चेंज आपका हो जाएगा, ओरिजिनल है क्योंकि डिक्रीज हुआ इसलिए ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि बिफोर वाली जो क्वांटिटी है 300, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा इस वाले क्वांटिटी से, अभी वाले क्वांटिटी से, हमेशा बड़ा को छोटा से ही माइनस किया जाता है। सो वी गेट 300 माइनस 100 विच इज योर नथिंग बट 200, यानी डिवाइड कर देना है आपको ओरिजिनल अमाउंट से, ओरिजिनल अमाउंट आपको क्या हो गया, बेस अमाउंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है,
200 डिवाइडेड बाय 100 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, वी गेट नथिंग बट 200 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100%, वी गेट 2/3%। ठीक है, आपको 2/3 आपको मिल सकती है और आपको देखने को मिलेगी कि आपके जितने भी फ्रैक्शन डिक्रीज है इलिटरेट पर्सन। ठीक है, ठीक है बच्चे, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही बताया था। इसमें निकालना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। प्राइस ऑफ अ शर्ट डिक्रीज फ्रॉम 300 to 210, जरूर कुछ अच्छी वाली सेल लगेगी तभी तो आपके 300 रुपीज से 210 रुपीज में आपको कपड़े मिल रहे हैं, वो भी अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए। 300 रुपीज से 210 हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज ही हो रहा है ना। सो हाँ, यहाँ पे आपको डिक्रीज परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सो अप्रोच क्या होगा ये पहले हम लोग देखते हैं। अप्रोच आपका कुछ नहीं है, सबसे पहले डिक्रीज अमाउंट कितना हुआ, डिक्रीज अमाउंट आपका कितना हुआ ये पहले हम जानेंगे। सो 300 रुपीज से 210 रुपीज पे आ गया, सो डिक्रीज अमाउंट आपका हो गया 90 रुपीज का, है ना बच्चे। 90 रुपीज का आपको डिक्रीज अमाउंट हो गया। क्या करना है, 300 को माइनस करना है 210 से। नाउ परसेंटेज डिक्रीज जो हुआ आपका वो कितना, परसेंटेज डिक्रीज हो गया आपका डिक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल अमाउंट। डिक्रीज आपका 90 रुपीज हुआ था, ओरिजिनल यानी कि आपका बेस अमाउंट जो है वो है 300, मल्टीप्लाई कर देना आपको 100 से, वी गेट 30%। ऐसे निकला आपका 90 डिवाइडेड बाय 300, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 100 से, वी गेट 30%। सो डिक्रीज हुआ 30% का, यानी सेल लगाया 30% ऑफ पे सब बोलते रहते हैं ना सब आपके अच्छे अच्छे मॉल के बाहर में, तो यहाँ पे आप क्या बोल रहा है, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे कि सेल चल रहा है 30% ऑफ पे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। ठीक है, तो उसका सेल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये एक तरीका हो जाता है कि अब सेल लगा है या फिर परसेंटेज डिक्रीज हुआ तो आप इजीली आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि कितना उससे प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर से ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं तो जो दुकानदार है उसी को प्रॉफिट मिल रहा है और कस्टमर्स भी यहाँ पे खुश है कि 30% ऑफ है, हमें इजीली अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे। ठीक है, और वो भी कम दाम में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो फिर परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। मार्क्स इन अ टेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 20 to 30, एक बच्ची है उसका मार्क्स 20 से 30 इंक्रीज हुआ, यानी कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह होगा उसमें से उसे 20 मार्क्स मिले हैं 30 मार्क्स से, बहुत इंप्रूव किया बच्ची। ठीक है, देखेंगे कि इंप्रूव की है तो कितना की है, विच मीन्स इंक्रीज परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, सो कैसे निकालेंगे, इंक्रीज मार्क्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा न्यू मार्क्स, क्योंकि न्यू मार्क्स आपका ज्यादा है ना 30 है ना, माइनस ओरिजिनल मार्क्स, वी गेट 30 - 20 विच इज नथिंग बट 10। ठीक है, देयरफॉर इंक्रीज परसेंटेज अगर आप निकाल रहे हो तो वो हो जाएगा आपका इंक्रीज मार्क्स। ठीक है, मार्क्स कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा इंक्रीज मार्क्स आपका 10 है डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, वी गेट 50% का उसका इंक्रीज हुआ मार्क्स। तो आप समझ सकते हो कि उसने कितनी मेहनत की है और अपने मार्क्स को वो इम्प्रूव करने पे कितने कोशिश की है। ठीक है, 50% उसके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, है ना बच्चे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने थोड़े देर पहले ही आपको बताया था मॉड्यूल 2 में कि परसेंटेज से हाउ मेनी आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक सेल चल रहा है, ठीक है बच्चे, एक सेल चल रहा है एंड वहां पे एक टी शर्ट जो है वो 500 रुपीज की है एंड आपको डिस्काउंट अगर आपका दे रहा है
25% का आपको डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको डिक्रीज्ड अमाउंट है, कितना डिक्रीज्ड अमाउंट है वो निकालने बोल रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहली बात है, आप डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, सो कितना अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है पहले आप वो निकालें, ठीक है? डिस्काउंट परसेंटेज 25, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना है वो आप सबसे पहले निकालिए, विच इज नथिंग बट 25% ऑफ 500. मैंने पहले ही बताया था कि दो मेथड से आप निकाल सकते हो, या तो डायरेक्ट मेथड से परसेंटेज टू हाउ मेनी, या फिर आप निकाल सकते हो यूनिटरी मेथड से. तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, यानी कि 25% ऑफ 500, वी गेट नथिंग बट 25/100 मल्टीप्लाई बाय 500, विच इज 125 का उसे डिस्काउंट मिला. सो डिस्काउंट के बाद अभी जो न्यू शर्ट है वो कितने में मिल रहा है? ओके, सो अमाउंट या फिर आप बोल सकते हो प्राइस. ओके, प्राइस ऑफ शर्ट आफ्टर डिस्काउंट आपका हो जाएगा, वी गेट नथिंग बट 500 माइनस 125, वी गेट द 5, वी गेट 4 टू द 2, 4 वन जो 325 रुपीज. यस, सो 325 रुपीज आपको अभी मिल रही है शर्ट. सो सोचो, 500 की शर्ट आपको 325 रुपीज में मिल रही है, तो यही तो आपकी सेल होती है. सेल में ऐसा ही होता है, आपका बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपको डिस्काउंट दिया रहता है और आपको खुद आपके जो रिटेलर हो गए या फिर आपके जो शॉप के ऑनर हो गए वो बताएंगे कि ये मैम आपको ऐसे डिस्काउंट है तो आपको इतना पड़ेगा. तो ये बेसिकली आइडिया होता है कि आप कैसे सेल्स में कैसे आपका अमाउंट आपको डिफर करेगा. MRP है, बट आपका ये आपका जो अमाउंट है ये 500 ये आपकी MRP होंगे, ठीक है? MRP को हम बोलते हैं मार्क प्राइस भी. क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं ना बच्चे. 325 रुपीज जो आया है वो आपका सेलिंग प्राइस हो गया. इसके बारे में और डिस्कशन में पढ़ेंगे हम लोग मॉड्यूल 4 में. ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया कि आपको सेल करने के बाद, आपको डिस्काउंट देने के बाद जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपको कितने में मिल रहा है ना बच्चे. ओके, कुछ एक दूसरा अमाउंट हम ले लेते हैं, कुछ एक और फिगर ले लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि इफ सपोज सत्यम स्कोर्ड 200 आउट ऑफ 350, ठीक है? 350 मार्क्स में वो 200 स्कोर किया है, ठीक है? So calculate his percentage of marks. आपको निकालना है percentage of marks. So ये भी मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन ही है, आप निकाल सकते हो इसलिए. क्या कर सकते हैं इसमें? फ्रैक्शन निकालोगे 200 by 350 मल्टीप्लाई बाय 100, we get 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, we get 210 5 4s are 20, 5 7s are 35, we get 400 by 7 percentage, ठीक है? So आप यहाँ पे परसेंटेज में निकाल सकते हो. क्योंकि ये इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का है, सो एक और क्वेश्चंस देख लेते हैं, लास्ट वन. अगर मान लीजिए प्राइस ऑफ पेट्रोल पहले आपकी 80 रुपीज थी, ठीक है? अब महंगाई बढ़ गई है, सो प्राइस ऑफ पेट्रोल आपका रुपीज 100 पर लीटर हो गया है. सो कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, सॉरी कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज. अगर आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपको परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सो परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे अमाउंट ऑफ चेंज by the original one multiply by 100. So percentage increase is nothing but rupees 100 minus rupees 80 divided by rupees
80 is our base price, this is the original price multiplied by 100. So we get 20 rupees divided by 80 multiplied by 100. 24 is 80, 425 is 25% की इंक्रीज हो रही है, यानी 25% आपका इंक्रीज हुआ है कि पेट्रोल के प्राइसेस में. तो ये बता रहा है आपका कि ह्यूज परसेंटेज चेंज हुई है. सो ये बता रहा है कि महंगाई कितनी बढ़ गई आपका. तो आप परसेंटेज से आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो किसी भी चीज़ को. ओके, ये कितना कंपेयर हुआ है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है, कितना महंगाई बढ़ी है. सो ये सब इजिली डे टू डे लाइफ से आप रिलेट करके आप समझ सकते हो और पहचान सकते हो. ओके, सो इस मॉड्यूल में इतना ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू.